नारायण अग्रवाल एनएस डेवलपर। मैं अजय अग्रवाल हूँ, अजय बेगराज ग्रुप एंड वी आर द डेवलपर एट द प्रोजेक्ट। शोभ अग्रवाल, वी आर द लैंड ओनर, वी आर इन जेवी विद अजय बेगराज ग्रुप एंड यूनिवर्सिटी। आई एम सन ऑफ नारायण अग्रवाल एनएस डेवलपर। बसंत बरेलिया, वन ऑफ द प्रमोटर्स। सुनील अग्रवाल, वन ऑफ द प्रमोटर्स। आज हम लोग ये ब्यूमॉन्ट प्रोजेक्ट का अनवील कर रहे हैं। ब्यूमॉन्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट ऑफ सिलीगुड़ी टिल नाउ। ये 12.3 एकड़ लैंड में बन रहा है, जिसका 75% लैंड में हम लोग रेसिडेंशियल बना रहे हैं और 25% लैंड में फ्यूचर में मॉल कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड होटल कॉम्प्लेक्स आएगा। रेसिडेंशियल में वी आर मेकिंग 504 यूनिट्स एट द मोमेंट एंड ये सबसे लग्जरियस प्रोजेक्ट एंड द टॉलेस्ट प्रोजेक्ट है। टोटल 24 स्टोरीड हाइट का प्रोजेक्ट है, जिसमें 5 BHK, 4 BHK एंड 3 BHK के यूनिट्स हैं। हमारा प्रोजेक्ट का यूनिक फीचर है कि 5 BHK का जो हमारा फ्लैट है, दैट इज़ द मोस्ट लग्जरी फ्लैट इन द रीजन। इट इज़ 10,000 स्क्वायर फीट, 5 BHK फ्लैट इन 10,000 स्क्वायर फीट, मोर इज मोर लग्जरियस देन एनी बंगलो विच हैव बीन मेड इन उत्तरायण और एनी वेयर इन सिलीगुड़ी टिल नाउ। 4 BHK का फ्लैट का रेंजिंग है 4,000 to 4,300 एंड 3 BHK का फ्लैट इज़ फ्रॉम 2500 to 2800। अब फीचर्स हमारे प्रोजेक्ट के ऐसे हैं कि जैसे हमने फ्लोर हाइट 11.5 दिया है, 1.6 एकर ऑफ ग्रीन एरिया, 1.6 एकर मीन्स जिस प्रोजेक्ट अराउंड 1,60,000 स्क्वायर फीट ऑफ ग्रीन स्पेस जो कोई भी प्रोजेक्ट में मिलना आज के दिन में इम्पॉसिबल है। नॉट इवन इन वेस्ट बंगाल, एंटायर वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्ट में कंपेयर करेंगे तो इतना ग्रीन स्पेस कोई भी प्रोजेक्ट में आपको नहीं मिलेगा। इस किसी को अगर ग्रीनरी पसंद हो तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट से बढ़िया प्रोजेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। लग्जरी के टर्म्स में देखें तो 40+ एमिनिटीज़ है, जिसमें कि जो यूनिक एमिनिटीज़ में मिनी गोल्फ कोर्स, सेमी कवर्ड स्विमिंग पूल, बिग साइज बैंकेट हॉल, बिग साइज जिमनेजियम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनिटीज, ऑल बोर्ड गेम्स है, ऑल कोर्ट गेम्स है, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सारे टाइप की एमिनिटीज़। टोटल कितने स्क्वायर फीट है? टोटल 25 लाख स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट। कब तक पहले? दिसंबर 2026 से हम लोग फेज वाइज डिलीवरी शुरू करेंगे। कितने फ्लैट जी? कितना फ्लैट होगा? टोटल 50 फ्लैट्स है, जिसमें 5 BHK, 4 BHK एंड 3 BHK। मैं 504। देखिए, सिलीगुड़ी में इतना लग्जरियस प्रोजेक्ट कभी नहीं बना आज तक, तो जब इस टाइप की लग्जरी अब एक बार बननी शुरू हो गई है तो हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट जो भी डेवलपमेंट आएगा वो टूवर्ड्स लग्जरी आएगा। तो लग्जरी आने का मतलब एक डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा सिलीगुड़ी में, एक हाई एंड कस्टमर का फ्लो आएगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा। हमने एक ट्रेंड देखा है कि जो सिलीगुड़ी के लोग जो बाहर वर्क कर रहे हैं, NRIs है या अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में काम करते हैं, उनको एक लग्जरी प्रोडक्ट चाहिए सिलीगुड़ी में, जो आज तक था नहीं। तो अभी जो हमने इन्वेस्टर हमारे पास आए या जो फ्लैट हमने सेल किए हैं, उसमें उस टाइप की कैटेगरी के लोग बहुत है जो आज तक इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे थे। वो कलकत्ता चले जा रहे थे या नॉर्थ ईस्ट चले जा रहे थे या और कोई सिटी में ले लेते थे, लेकिन अब वो सिलीगुड़ी की तरफ फिर से अट्रैक्ट होते हैं। उसके नीचे 3 फ्लोर पार्किंग है, उसके बाद 24 फ्लोर मीन्स 20। अगर फ्लोर वाइज देखे तो दिस इज टोटली 28 स्टोरी। जी जी, हमारा एक्सपीरियंस सेंटर है जिसमें लोग आके अपना पसंद का फ्लैट चूज कर सकते हैं, देन अदर प्रोसीजर हमारी जो मार्केटिंग टीम है दे विल गाइड। नहीं, वी आर वेरी रीजनेबल। अगर जितनी लग्जरी हम दे रहे हैं उससे कंपेयर किया जाए तो वेन वी आर चीपर देन अदर प्रोजेक्ट्स। स्टार्टिंग अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रखे हैं 5100 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अब देखेंगे फ्यूचर में इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं। ये एक सवाल करेंगे। जी जी जी, हाँ प्लीज। वी हैव टेकन ऑल द नेसेसरी मेजर्स। देखिए, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है, ये 10 जगह में वेटिंग हुई, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमारा स्ट्रक्चर वेटिंग हुआ,
बॉम्बे से हमारे कंसल्टेंट है जो कि एक्सपर्ट इन ऑल दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स है। नो बिग आर्किटेक्ट संजीव कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे बेटी, और जब तक सारे सर्टिफिकेशन नहीं आए हमने इवन काम भी शुरू नहीं किया था। वी हैव गॉट ऑल द सर्टिफिकेशन और नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, और अर्थक्वेक का हाइट से कोई लिंक नहीं है। एक्चुअली टेक्नोलॉजी और क्वालिटी बढ़िया करेंगे तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट ही बनता है सब कुछ। देखिए आज हम लोग सिलीगुड़ी में 24 की बात कर रहे हैं, कलकत्ता में अभी 52-55, दिल्ली में बॉम्बे में 90-100 आ रहा है। तो अर्थक्वेक आने से तो सभी को इफेक्ट होगा, बट टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि वो कुछ भी उसको इफेक्ट नहीं करेगी। अजय जी, फर्स्ट टाइम सिलीगुड़ी में 10,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट, जी जी, एक कंसेप्ट आप लोगों ने यहाँ से, मतलब हम लोग देखा कि देखिए बंगलों का डिमांड सिलीगुड़ी में बढ़ रहा था डे बाई डे, और एक कंपनी अगर एक स्टैंडर्ड बंगलो ले रहा है तो G+2 या G+1 भी मनाता है तो उसका 6-7,000 स्क्वायर फीट तो हो ही जाता है। तो 10,000 विथ एमिनिटीज, हमने देखा कि ये एक प्रोडक्ट है जो हिट करेगा, कि बंगलो अच्छा है, बंगलो लोग लेना चाहते हैं, रहते भी है, लेकिन बंगलों के अपने ड्रॉबैक्स भी है। वही सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि जब बंगलों की इतनी डिमांड है तो 10,000 का क्यों नहीं ट्राई किया जाए। और आज मैं बोलूँगा कि हमको लग रहा है हमने 10,000 के फ्लैट कम बना लिए, कि जितना रिस्पॉन्स उसका ज़्यादा उसमें, हमको लगता है कि और 10,000 के कुछ यूनिट्स होते तो वो बेटर होते। इवन वो 10,000 स्क्वायर फीट के बारे में मैं बताता हूँ कि वेन वी हैव हमारी भूमि पूजन कर रहे थे साइट की, तो उस टाइम हमारा प्लानिंग नहीं था कि 10,000 स्क्वायर फीट को हम लोग सेलिंग करेंगे। एक बंगाली कस्टमर था, ही वॉज अ शिप कैप्टन, तो उसने जैसे मालूम चला कि 10,000 स्क्वायर फीट का भी फ्लैट है, तो उसने हमें 51,000 का चेक दिया कि सर ये मेरा चेक रख लीजिए, जिस दिन भी आप बुकिंग खोलेंगे मेरा एक फ्लैट बुक कर दीजिए। तो इट्स द डिमांड लाइक दैट कि पीपल आर विलिंग, कि उनके एक्सपेक्टेशन में नहीं था कि 10,000 स्क्वायर फीट का भी फ्लैट हो सकता है। गार्डन रहेगा ना, एवरीथिंग इज देयर, उसका बालकनी इज अराउंड 700 स्क्वायर फीट। नहीं, एवरी फ्लैट, वन फ्लैट विल बी इन ईच फ्लोर, ईच फ्लोर विल बी ओनली वन फ्लैट। तो आपको ये प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा टॉलेस्ट प्रोजेक्ट है क्या सिलीगुड़ी में? हां हां, वी आर द टॉलेस्ट। इट इज नॉट ओनली क्वेश्चन ऑफ टॉलेस्ट, एवरीथिंग इज क्वालिटी बेस्ड, मटेरियल यूज्ड, टेक्नोलॉजी एंड द थिंकिंग, द फ्लैट साइजेस, रूम साइजेस एंड द हाइट ऑफ द फ्लैट्स, एवरीथिंग इज इन अ सेगमेंट व्हिच इज क्वालिटी प्रोडक्ट। ये अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट है सिलीगुड़ी, जो रेल लाइन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, ये तो आपको मैं बताता हूँ रेल लाइन की बात, ये जो रोड सामने है वो भी मेन रोड हो गया है, वो यहाँ से हम लोग निकलेंगे सीधा सिलीगुड़ी निकलता है ये रास्ता। You don't have to go that side. The road directly connects with the main Siliguri. Main Hilcat road. You don't have to cross even the rail line. और बहुत जल्दी इसके लिए गवर्नमेंट भी कुछ, पॉपुलेशन जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से इसका भी ट्रैफिक, ये कंजेशन यहाँ पर बहुत घट जाएगा। जैसे हमारी जो मार्केटिंग एक्टिविटी है उससे तो प्रोजेक्ट का हम लोग प्रचार तो कर ही रहे हैं और लोग इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, लोग आ रहे हैं। उसके बाद तो फिर जब एक बार देखे पूरा कॉलोनी, ये ऐसा प्रोजेक्ट है, सॉरी प्लीज, ना ना, ऐसा है कि देखिए ये प्रोजेक्ट अपने एक कम्युनिटी बन जाएगा जब ये पूरा, अभी तो क्या है कि सामने पूरा बात आया नहीं है, जब ये बात पूरी सामने आएगी आप देखेंगे ये कम्युनिटी जैसा बन जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज देयर, व्हाट एवर यू रिक्वायर एवरीथिंग इज देयर। एक मिनी टाउनशिप के जैसे होगा, पीपल विल स्टार्ट लिविंग, माने ওরকম একটা আছে কি সব কিছু থাকবে, কলকাতাতে একটা প্রজেক্ট আছে আরবানা বলে, ওয়ান্স পিপল স্টার্ট লিভিং देयर तो दे हैव देयर ओन कम्युनिटी देयर। अरबाना एक अपने आप में स्टेटस है, वैसे ब्यूमोंट अपने आप में एक स्टेटस होगा नॉर्थ बंगाल के लिए। विल बी ट्राइंग फॉर दैट, बोलना बहुत सरल है। फिर फ्लैट की हाइट भी 11.5 फीट की है। हाँ, वो जनरली 10-10.5 फीट ज्यादा है। लैंडमार्क फॉर सिलीगुड़ी, ब्यूमोंट वुड बी अ लैंडमार्क फॉर सिलीगुड़ी, और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हाँ, वी आर ट्राइंग मैक्सिमम कि हम लोग कैसे जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं दैट वी फुलफिल, नया सिलीगुड़ी हो जाएगा। हाँ, सामने मॉल बन रहा है, सामने में मॉल।
मॉल होटल रेजिडेंशियल और मॉल का टोटल सेपरेट है, सेपरेट है, दोनों का इंटरकनेक्टेड नहीं है। एंड वी हैव वेरी गुड पार्किंग स्पेस, पार्किंग स्पेस भी जो है इसमें मोर देन सफिशिएंट है, अंडरग्राउंड पार्किंग है सब गाड़ी के लिए, पार्किंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हर फ्लैट के साथ एवरेज में 2.5 पार्किंग का प्रोविजन किया हमने, जैसे 500 फ्लैट है तो वी हैव मेड अ प्रोविजन फॉर 1200 पार्किंग, 1200 व्हीकल्स कैन बी पार्क, कमी नहीं होगा। जी वो सिंगल टावर है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार।